ये जो इंडिया में जो एक्शन हुआ है जो उनके साथ 300 जो लगाकर कश्मीर की जो जमहूरियत को ख़त्म करना चाहे, इसको हम आपको बताना चाहते हैं कि ऐसे प्रोपेगंडों से तुम बाहर आ जाओ, क्योंकि
इंडिया को बने 75 साल हुए, वो कश्मीर की तारीख 5000 साल पुरानी तारीख है, और कोई भी बादशाह 5000 साल की तारीख में कोई भी बादशाह इसकी तारीख को ख़त्म नहीं कर सका। इंडिया तुम क्या चीज़ हो, हम ये सीधी तरह तुम्हें बताते हैं कि आज़ाद कश्मीर की जो अवाम है वो इंशाल्लाह ताला मकबूला कश्मीर की अवाम के साथ शाना बशाना खड़ी रहेगी, और हम आगे पाक फौज आवाज़ पाकिस्तान को जन्नत जन्नत किसी काफर को मिली है ना मिलेगी। मेरे दोस्तों, आज का ये एहतजाज इस बात की गवाही करता है कि आज इंडिया ने जो एक जो है अंधी साजिश करके तकसीम कश्मीर के फार्मूले को कश्मीरी को तकसीम करने का जो नापाक अजाइम का आज मंसूबा बनाया है, हम उसको कंडम करते हैं। और सबसे पहले हमारे कश्मीरी भाई जो एक अरसा से जो है कश्मीर के लिए अपनी जानों का नजराना पेश कर चुके हैं, जिनमें हमारी माएँ, जिनमें हमारे बच्चे, जिनमें हमारे बूढ़े शामिल हैं, हम तकसीम कश्मीर की किसी भी साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे। हम आज इस मीडिया की वसादत से ये वादा पैगाम देना चाहते हैं कि मोदी सरकार, सुन लो, जो कुछ तुम करते हो इसका तुम्हें असर भी चुकाना पड़ेगा। शहदा के खून का एक एक कतरे, एक एक लहू का असर चुकाना पड़ेगा। हम कश्मीरी अपने भाइयों को आज आज़ादी के कश्मीर का मुजफ्फराबाद, तहरीक आज़ादी के कश्मीर का मुजफ्फराबाद से ये वादा पैगाम देते हैं कि अगर मोदी तुमने हमारी बात को ना सुना तो हम LOC का परवाह ना करते हुए लाइन कंट्रोल को तोड़कर श्रीनगर में झंडे लहराएंगे, और ये साबित करेंगे कि कश्मीरी अपने कश्मीरियों के भाइयों के लिए, कश्मीरियों के दिल अपने कश्मीरी भाइयों के धड़कते हैं। मोदी कुत्ता, तुम्हें आज हमारी तरफ से ये वादा पैगाम है, जन्नत किसी काफर को मिली है ना मिलेगी।